नमस्कार दोस्तों, अनोखा रॉक स्टार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम लोग माहौल रेलवे स्टेशन पर हैं और माहौल से आज चकिया के बीच की जंदरी हम दिखाएंगे, वो भी जो नया वाला ट्रैक बना है उस पर। क्योंकि माहौल और मेहसी चकिया के बीच में दोहरीकरण का काम पूरा हो चुका है और CRS होने के बाद आप ट्रेन चलाने की अनुमति मिल चुकी है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर वाल्मीकि नगर रेलखंड पर यह तीसरा सेक्शन जो है पूरा कम्प्लीट हो चुका है। पहला सेक्शन की बात करें तो नरकटिया का साठी रेलवे स्टेशन के बीच में पूरा किया गया, वहीं दूसरा जो सेक्शन है चमुआ हरिनगर के बीच में, और तीसरा जो सेक्शन है यह माहौल मेसी और चकिया के बीच में पूरा कर लिया गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो तीन सेक्शनों में जो है काम पूरा कर लिया गया और ट्रेन चलाने की अनुमति दी जा चुकी है। वहीं चौथा सेक्शन में जल्द जो है CRS किया जाएगा मझौलिया और सोगौली के बीच में। उसके बाद जो है मोतीपुर और माहौल के बीच में जो है CRS होगा, चूंकि यहाँ माहौल और मोतीपुर के बीच में जो काम है वो भी अंतिम चरण में है। तो हमको लगता है कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर में यह रेलखंड जो है पूरी तरह से दोहरीकरण हो जाएगा। और आपको बता दें कि दोहरीकरण के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है पूरा कर लिया जा रहा है, तो एक अच्छी बात है। और ये भी आपको बता दें कि चंपारण का जो हिस्सा है वह ग्रीन जो है घोषित कर दिया गया है, चूँकि चंपारण में जितनी भी रेलखंड हैं सब पर जो है इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया, जिस पर ट्रेनें चलती हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह दोहरीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि जो मुजफ्फरपुर से ट्रेनें आती थी तो मेहसी चकिया के बीच में काफ़ी लेट हो जाती थी और काफ़ी क्रॉसिंग जो है मेहसी और चकिया के बीच में हो रहा था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस खंड को जो है जल्दी काम करके पूरा कर लिया गया है। उसी तरह अगर बात करें हम तो मझौलिया और सुगौली के बीच में जो है दोहरीकरण का काम जो है जल्द पूरा कर लिया जाएगा, चूँकि मझौलिया और सुगौली के बीच में भी जो है क्रॉसिंग की समस्या बनी रहती है। घंटों जो है सुगौली रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेनों को जो है इंतज़ार करना पड़ता है, तो अगर दोहरीकरण हो जाता है तो वहाँ भी जो है क्रॉसिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि दोहरीकरण का काम जो है काफ़ी तेज़ गति से हो रहा है और इस साल बारिश बहुत कम हुआ है, उसको वजह से जो काम जो है निरंतर चल रहा है। और हमें लगता है कि आने वाले 1.5 साल के अंदर में जो है काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। वाल्मीकि नगर से मुजफ्फरपुर के बीच में, वहीं अगर बात करें वाल्मीकि नगर से जो है गोरखपुर के बीच में मंजूरी मिल चुका है दोहरीकरण का, और उसका भी काम जो है शुरू होने वाला है। तो देख सकते हैं ये तस्वीर दोहरीकरण का, अभी नया वाला ट्रैक पर ट्रेन चल रही है और पूरा फुल स्पीड में चल रही है। लगभग ट्रेन की गति 105 के प्लस में है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि पुराना वाला जो ट्रैक है उसके ऊपर जो है अभी जो है ट्रेन नहीं चल रही है, लेकिन आगे आपको हम ट्रेन दिखाएंगे, चूँकि शपथ क्रांति ट्रेन की जो है अभी जो है टाइम हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह दोहरीकरण का काम था और इसको पूरा कर लिया गया है। और आने वाले समय में अगर पूरी तरह से अगर गोरखपुर से मुजफ्फरपुर तक यह जो खंड है अगर दोहरीकरण और इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा तो काफ़ी ट्रेन इस रेलखंड को भी मिलेगी। छपरा सीवान के रेलखंड को जो ट्रेनें मिली हैं तो उसी तरह इस रेलखंड को भी जो ट्रेनें मिलेंगी। तो अभी हम लोग जो है मेहसी रेलवे स्टेशन पर जो है आ रहे हैं और ये तस्वीर जो है मेहसी रेलवे स्टेशन की है। मेहसी रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है इस रेलखंड की, और यहाँ पर लगभग इस रूट से गुजरने वाली हर ट्रेनों का स्टॉपेज दिया गया है। सप्त क्रांति से लेकर बंद्रा तक हर ट्रेन यहाँ रुकती है। मेसी के बाद जो है हरपुर नाग हॉल्ट है, उसके बाद चकिया रेलवे स्टेशन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है मेसी मुजफ्फरपुर वाल्मीकि नगर रेलखंड की अगर हम बात करें तो ट्रेन हमारी जो है मेसी रेलवे स्टेशन से अब जो है खुलने वाली है और हम लोग मेसी रेलवे स्टेशन क्रॉस करने वाले हैं। तो ये तस्वीर देख सकते हैं मेसी रेलवे स्टेशन की, प्लेटफॉर्म नंबर जो है 2 की तस्वीर है। आप देख सकते हैं सामने भवन वगैरह टिकट घर सामने है, वहीं देख सकते हैं मेसी रेलवे स्टेशन की बोर्ड। तो हम लोग मेसी रेलवे स्टेशन से हम निकल चुके हैं आगे, और आगे की हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। तब हमारे वीडियो को बन रही है, चैनल बनना है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना प्लीज ना भूलिएगा।
दूसरा जो रेल लाइन है उस पर जो है अब सप्त क्रांति आने वाली है, तो आप स्क्रीन देख सकते हैं कि सप्त क्रांति एक्सप्रेस जो है दूसरी रेल लाइन पर जा रही है। तो देख सकते हैं कि एक साथ जो है इस रेलखंड पर दो ट्रेनें जा रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए फायदा होता है दोहरीकरण का। अगर दोहरीकरण नहीं हुआ होता तो इन दोनों ट्रेनों को जो है कहीं ना कहीं क्रॉसिंग करना पड़ता और उसके लिए जो है काफी समय लगता क्रॉसिंग करने में, तो ऐसे ट्रेनें जो है लेट होती हैं। तो दोहरीकरण अगर कंप्लीट हो जाता है तो इस रेलखंड पर जो लेट लतीफ की जो जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगा और ये महत्वपूर्ण जो काम है वो बहुत तेज गति से हो रहा है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, दोहरीकरण का ट्रेन हमारी स्लो गति में है और जो नया ट्रैक बना है वो बहुत ही बेहतर आधुनिक तरीका से बना है और पुराना वाला ट्रैक को भी जो है लगभग लगभग जो हाँ प्रॉब्लम है वहाँ मरम्मत किया गया है। तो देख सकते हैं ये तस्वीर, और हम लोग जो है चकिया रेलवे स्टेशन के नज़दीक आ रहे हैं। चकिया रेलवे स्टेशन जो कि इस रेलखंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और आपको बता दें कि चकिया रेलवे स्टेशन पर जो है लगभग लगभग इस रूट की हर ट्रेनें रुकती हैं। और चकिया के बाद अगर बात करें तो बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पड़ेगा। अगर मुख्य रेलवे स्टेशन की बात करें तो इस रेलखंड में मोतीपुर, महेशी, चकिया, बापूधाम मोतिहारी, सगौली, बेतिया, नरकटियागंज प्रमुख रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा भी जो है कई छोटे रेलवे स्टेशन है, जैसे बात करें साठी, चनपटिया और मझौलिया, उसके बाद बात करें तो कुमारबाग एक रेलवे स्टेशन है। तो इस तरह से कई रेलवे स्टेशन है, जीवधारा है, तो छोटे बहुत रेलवे स्टेशन है। अगर प्रमुख रेलवे स्टेशन की बात करें तो मेसी, चकिया, मोतीपुर और बापूधाम मोतिहारी, सगौली, बेतिया, नरकटियागंज, उसके बाद बगहा है, हरिनगर है। तो अभी हम लोग जो है चकिया रेलवे स्टेशन पर पहुँचने वाले हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ट्रेन जो है ट्रैक बदल रही है और आगे चकिया रेलवे स्टेशन, चकिया रेलवे स्टेशन आने वाला है। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोग का अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।